तुझे कैसे पता कि हमें कुछ हुआ था? तू तो यहाँ था ही नहीं। तुम पूरी दुनिया की रक्षा करती हो, तो क्या मैं तुम्हें इस छोटी सी सिचुएशन से नहीं बचा सकती? अच्छा, अब मुझे शाश्वत लोक चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल वीर, वैसे तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैसे नहीं आता काश्वी, ये मेरा परिवार है। बालवीर, हम ब्रह्मांड की यात्रा बीच में छोड़कर शाश्वत लोक वापस पहुँच चुके हैं। जी महामहिम, मैं भी अभी शाश्वत लोक ही आ रहा। तुम यहाँ नहीं आओगे, हमने और बेनाम ने किसी वजह से तुम्हें इतने सालों तक भस्म से दूर रखा है। लेकिन महामहिम। बालवीर, ये हमारा आदेश है। हागिन भस्म के साथ भाग गई। यहाँ से तो भाग गई है बालवीर, लेकिन शाश्वत लोक के बाहर नहीं निकल पाएगी। महामहिम, मुझे वहाँ आने दीजिए। नहीं बालवीर, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। शाश्वत लोक में हर तरफ कड़ा पहरा है, हमारे सिपाही उसे जहाँ भी देखेंगे हमें आगाह कर देंगे। लेकिन महामहिम, शाश्वत लोक की रक्षा करना मेरा फर्ज है। बालवीर, तुम ब्रह्मांड के रक्षक हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और तुम्हारा शक्ति पुंज भस्म के हाथ नहीं लगना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ बालवीर, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक साबित होगा। बालवीर के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जो उसका परिवार रहेगा धरती लोक पर, उसकी माँ जागेगी और बेहोश सी जो होगी वो जागेगी, और फिर वहाँ पे बालवीर अपने परिवार वाले लुक में होगा और पूछेगा कि आप ठीक तो हैं, आपको मतलब ऐसे वैसे हुआ था? तो वो कहेगी कि तू तो यहाँ पे नहीं था, तो तुझे कैसे ये सब पता? उसे थोड़ा सा शक हो जाएगी, लेकिन काशवी आके वो बातों में उलझा के वो बचा लेगी बालवीर को। और ये सब बातें ये काशवी का धन्यवाद भी देगा बालवीर की, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो सब कुछ सच्चाई सब पता चल जाती। तो फिर वो कहेगी कि तुम सारे देश के मतलब पूरे सभी लोगों की तुम रक्षा करती हो, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। वो कहेगा फिर मैं अब जा रहा हूँ, मुझे शाश्वत लोक जाना है। ये सब बातें उसके परिवार वाले पीछे से सुन रहे होंगे। फिर आपको देखने को मिलता है कि बालवीर महामहिम से कॉन्टैक्ट करता है। महामहिम बताता है कि मैं ब्रह्मांड की यात्रा बीच में छोड़कर आया हूँ, और जो आगिल है वो भस्मा के साथ कहीं पे भाग गई है। लेकिन जो भस्मा है यहाँ से भाग नहीं पाएगी, क्योंकि हर तरफ सड़ी पहरेदारी लगी हुई है। लेकिन जो बालवीर कहेगा कि मुझे वहाँ पे आने दीजिए, मैं भी तो रक्षक हूँ, तो कहेगा कि तुम रक्षक हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पे आ गए और कुछ तुम्हें हो गया तो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा साबित हो जाएगा। तुम पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो कहेगा कि ये मेरा फर्ज है, लेकिन वो बात नहीं मानेगा बालवीर, वो जिद करेगा। लेकिन महामहिम कहेंगे ये मेरा आदेश है, तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और जो ये आगिल भागी है भस्मा के साथ, सारी तरफ पहरेदारी है, हमारे रक्षक उससे ढूंढ रहे हैं और जल्दी मिल जाएगी। और फिर उसे पता चलेगा एक रक्षक से कि आगिल मिल गई है, और ये सब बातें जो शेष माग है वो सुन रहा होगा। साथ में महामहिम बालवीर को बताएंगे कि तुम्हारा शक्तिपुंज उसके हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या भस्म और आगिल की नई चाल क्या हो सकती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बालवीर सीजन 4 के सभी एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।